एक बड़ा ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। एक दोस्त ते ही अपने दोस्त के कतल करन दे इल्जाम लगे ने। शाम के समय वह अपने दोस्त नूं घरों बुलाउण लई आंदा है अते देर शाम तक जब घर का जी वापस नहीं आता तो परिवार वालों नूं चिंता होनी शुरू हो जाती है, जिस तों बाद वह उसकी भाल करनी शुरू कर देंगे ने। पर सवेर नूं ही उन्हां नूं पता लगता है कि पिंड दे विच्चों उसकी लाश बरामद हुई है, जिस तों बाद उन्हां दा सीधा शक मृतक के दोस्त से जाता है कि उसके वलों ही इस कतल की वारदात को अंजाम दे दिता गया। तो खबर तलवंडी तो सामने आई है जिथे कि खेतों चो एक नौजवान की लाश बरामद हुई है। लाश के कोलों प्राइवेट पार्ट च नशे का टीका जो है वह भी मिले। हालांकि परिवार ने कहना है कि नौजवान नशा नहीं करता सी, जो उसका दोस्त सी उसके वलों ही नौजवान का कतल कर दिता गया। तो दस दिए कि मृतक की पहचान बलविंदर सिंह वजो हुई है, जो कि मजदूरी का काम करता सी, वो व्याया होया सी, उसका एक छोटा बच्चा भी है। पर शाम के समय ही उसका दोस्त उन्हें घरों बुलाने लिए आता, जिस तों बाद वह उसके नाल चला जाता है। पर देर रात तक वह घर वापस नहीं आता, जिस तों बाद परिवार को चिंता भी होती है। सवेर नूं परिवार को पता लगता है कि उसकी जो लाश है वह खेतों चों बरामद हुई है, जिस तों बाद उन्होंने मृतक के दोस्त से इल्जाम लगाए ने कि उसके वलों ही इस कतल की वारदात को अंजाम दे दिता गया। परिवार का जिथे कि रो रो के बुरा हाल होया पाया, घर के जी की मौत तो बाद परिवार के दुखों का पहाड़ आ डिग गया। पर उत्थे ही पुलिस ने मृतक के दोस्त से मामला दर्ज कर लिया और अगे की जो कार्रवाई है वह शुरू कर दी गई है। मेरा नाम रजिंदर सिंह है जी, पिंड माही नंगला जी। की मामला है? मेरे भरा का कतल होया जी। मेरे भरा नूं असी सुबह साडे पिंड दे बंदिया ने सूझवरां ने सलाह की, साडे भरा दी डेड बॉडी इत्थे पई है जी। उत्थे सारे पिंड गया जी, उत्थे उत्थे गुमराह किया गया। उसी चिट्टे दा टीका उंदे ही पा रखा जी प्राइवेट पार्ट च जी। सानू पता ही, सारे पिंड नूं ही पता, कोई चिट्टा नहीं लांदा जी। पर सानू जिहड़े बंदे ते शक है जी, जिहड़ा जिहड़े बंदे नाल मिलिया सी 6 बजे जी, उहदा नाम जस्सी है जी, पिंड माही नंगला जी। उह वी साडे पिंड दे रहिण वाला जी। पर पुछ पुलिस साडी कोई कार्रवाई करने लई तैयार नहीं। असीं परचा भी करवाउण गए सी, साडा कोई वास्ते तैयार नहीं हैगा जी। साडी हुण मतलब जिहड़ा तेरा भरा है उह ब्याहिया होइआ? हांजी हांजी, मेरा भरा ब्याहिया होइआ जी। उहदे इक इक जवाक है जी, मुंडा जी। हुण मंग की करदे तुसीं? मंग जी, जिहड़ा मुंडा हंडो घर लै गया उहते कार्रवाई हो गई जी। आप ही पता करे पुलिस विभाग की होइआ मेरे भरा नाल जी। ना हुण पुलिस नूं तुसीं बयान वगैरा, लाश कित्थे पई है? लाश सिविल हॉस्पिटल च पई है जी, स्टाफ लेके आए सी उत्थे चक के। हां ते हुण पुलिस की कहंदी है तुसीं मिले हो? पुलिस सानू उलझ भरंगे च पाई जांदी है जी, कदे कुछ कहंदी है, कदे कुछ, कदे कहंदी सानू ऐ कहो भी हुणे मारिया जी जस्सी ने जी, कदे कहंदी है भी जिहड़े बंदे ने देखिया उहनां नूं लैके आओ जी। अच्छा, सोनू शक मतलब की ते है? शक साडे पिंड ते जस्सी ते जी, ओह ओही लैके गया सी जी, उहदे नाल ही देखिया जी। हुण मंग की करदे हो? मंग जी साडा कारवाई होवे, सानू सानू इंसाफ मिले जी। हाँ जी, सानू कि बरजिंदर सिंह इलियस कालू पुत्र जसपाल सिंह की डेड बॉडी मिली सी, जिस संबंधी जसपाल सिंह ने पहला सानू स्टेटमेंट लिखाई सी भी 174 की कार्रवाई करवाना चाहते हैं। उस तो गल सामने आई है जी भी उन्होंने शक जाहिर किया भी जो सोनी सिंह इलियस जस्सी पुत्र गुरमेल सिंह भी साडे बेटे घरों लैके गया सी, तो सानू उहदे ते शक आ भी शायद साडे बेटे उन्हें मारिया गया जां कुटमार करके मतलब उहदी डैथ हुई है। उस संबंधी असीं एफ आई आर रजिस्टर की है जी, दोषी की भाल की जा रही है। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਵੱਖ ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜਲਦ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਕੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪੁੱਛਣ ਸਿੱਧਾ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਹੋ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਹੋ ਜੂਗਾ ਵੀ ਡੈਥ ਦਾ ਰੀਜਨ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ? ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਤੀ ਹੈ ਜੀ 105 ਬੀ ਐਨ ਐਸ ਜੀ। ਭਾਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।